अभी हम लोग जा रहे हैं बार्बीक्यू पार्टी के लिए दोस्तों, और वहीं से हम लोग फिर अंदर एंटर कर जाएंगे। यहाँ पे हमारा डिनर सेशन है, आओ मेरे साथ। आज तुम पता है कैसी लग रही हो? राजा तुम पागल हो, तुम जोकर हो। तू है पागल, तू है जोकर। राजा तुम पागल हो। तो जी गोंडोला राइड के बीच में एकदम से कुछ प्रॉब्लम हुआ है और सारे जितने भी ट्रॉली केबल कार हैं वो सारे एक जगह रुक गए हैं और हम लोग भी बीच में अटक गए हैं। अभी हमको बहुत नीचे जाना है और ये सारी देखो सारी ट्रॉली लटकी हुई लाइन से और हम एकदम बीचों बीच और हम ही सबसे ऊंचाई पे लटके हैं शायद हमारे ऊपर। अरे हमारे ऊपर बहुत है भाई, सारे अटके हुए, सब लोग अटके हुए हमारे ऊपर। अरे बाप रे बाप, चल गई जयकारा शेरवाली का बोल साचे दरबार की। जय माता दी, जय माता दी। ये इतने सास ससुर बहू ऐसे फट्टू लोग हैं तीनों, सारे भगवान मना लिए इन्होंने इतनी देर में, इतना जिंदगी का शौक है। अब देखो जिस तरह से ये हिला था ना रुकने के बाद, भाई झूल जाता है पूरा, एकदम झूला कर दिया था इसने। अब एक तार के ऊपर इतना झूला झूल रहे हैं डर तो लगता है। हमारा ब्लॉग देख के आप लोग ज्यादा डरना मत, पता चला फेज टू आने वाले लोग आए ही ना। बहुत खूबसूरत जगह है, आधा घंटा आराम से आप लोग स्पेंड कर सकते हो। आधे घंटे ज्यादा कुछ करने के लिए है भी नहीं। फेज टू का टिकट जरूर लेना। मम्मी पापा भी दोनों सीनियर सिटीजन में आते हैं लेकिन उन्होंने अच्छा खासा एंजॉय किया, ऐसा नहीं है। सुनो 20 मिनट से ऊपर नहीं, पापा मम्मी साथ 20 मिनट से ऊपर नहीं। मेरे को ही अगर सफोकेशन होने लगे, आई गेस मुझे ज्यादा सफोकेशन तब होने लग गया जब मैंने उस बंदे को बेहोश देखा ना, तो मेरे को उसको देख के ज्यादा उसकी वजह से कई लोगों को एंजाइटी हो गई। यार वहाँ आर्मी कैसे रह रही है? आर्मी तो रहती है अपनी व्यवस्था से रहती है। देखो भाई उनकी तो गाड़ियां भी है बड़ी बड़ी, ट्रक वगैरह। वाकई ऐसे ही सैल्यूट नहीं है आर्मी को, ऐसे ही लोग सैल्यूट। ये तो कुछ भी नहीं, आप सोचो सियाचिन में जब है तो वहाँ भी कैसे रहते होंगे, वहाँ तो ऑक्सीजन की कमी होती होगी। मतलब अपार्ट फ्रॉम कितनी असुविधाएं हैं उसके बाद ये लोग की वजह से तो घूम रहे हैं। अब ऑक्सीजन शुरू हुई अविनाश, बेटर फील हुआ ना? तुम्हें फील हुआ है मैं जो बोल रही हूँ? कान खुला है, कान नहीं सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही अब। मेरा कान भी खुल गया, मेरा कान अभी तक बंद है। आपका मम्मी? मेरा ठीक है सब, कान थोड़ा है अभी चलना। अब अच्छी हवा आई है ये ना? हाँ यहाँ हवा, ऊपर तो हवा ही नहीं थी, हवा नहीं थी। यहाँ देखो हवा, ये बाल उड़ रहे हैं तुम्हारे लिटरली। लाइन देखो मम्मी कहाँ पहुँच गई, अगर हम लोग अभी नहीं आए होते जल्दी यहाँ से। बूढ़ी बाबा बहुत दूर तक गई। मम्मी कैसे पहचान लेती है यार हजार लोगों में एक आदमी को? कपड़ा ध्यान रखा अपना, बैग उतरना है ना? हाँ हाँ उतरो ध्यान से, उसी तरफ मुंह करके जिस तरफ ट्रॉली जा रही है। हमने ले लिया दूसरी ट्रॉली, यानी कि फेज वन की, फेज टू से नीचे आए, फेज वन की ट्रॉली ली, अब नीचे जा रहे हैं, ये लास्ट ट्रॉली हमारी। चलो भैया, तो इसी का नाम किसी रीजन से है गंडोला राइड, ऐसे ही नहीं रखा, सोच समझ के नाम रखा है। गंडोला जमा के रखना पड़ता है, दूसरे ट्रॉली तो फंस गए। मुन्नी का घर मिल गया बजरंगी भाई जान, तो रात को अगर भालू निकल आएगा तो कैसे चलेगा? स्नो लेपर्ड तो व्हाइट होते होंगे ना, बहुत रेयर साइटिंग है स्नो लेपर्ड की। चलो भाई जान गंडोला आराम से गिरना नहीं, यहाँ पे पूरी होती है हमारी गंडोला राइड। चलो मैं एक और राउंड लेके आता हूँ फेज टू का। खैबर आ भी गया। तो जी हम लोग फाइनली अब चेक इन करने जा रहे हैं अपने होटल में, और होटल बता देती हूँ, होटल है खैबर, जो यहाँ का आई थिंक काफी मशहूर होटल है, काफी पॉपुलर है। वो किस चीज के लिए है वो हम भी जाके देखेंगे, लेकिन बहुत सुना है इस होटल के बारे में। तो बस ये हम लोग पहुँच गए अपने होटल, बड़ी मुश्किल से हमें एक दिन की बुकिंग मिली है इसकी, सब फुल था। बुकिंग नहीं मिलती है यहाँ की बेसिक, तो इसलिए एक दिन हम उस होटल में रहे एक दिन इस होटल में। अरे वहाँ बर्फ जमी हुई है देखो होटल के आगे, स्नोफॉल में तो ये होटल जन्नत हो जाता होगा, बालकनी से पूरी बर्फ दिखेगी। Bye.
ऐसे ही बहुत खूबसूरत है अविनाश, इतना अच्छा बैठने का ही बनाया हुआ है ना। तो ये जी एंट्री है, अब मैं खैबर का आपको पूरा रिव्यू दूंगी और खैबर में क्या क्या है आपको सब दिखाऊंगी। आओ का चेक इन अच्छा है, जगह है टी कॉफी लाउंज में, बड़ा अच्छा बना है। ओए यार बहुत खूबसूरत होटल है। मुझे आपको अपना रूम दिखा देते हैं, दिस इज आवर रूम, ये आप एंटर करते हो। एंड पहले बाथरूम नहीं दिखाया, पहले बाथरूम बाद में दिखाएंगे, बट ये रहा हमारा बेड। रूम काफी क्लासी है, काफी क्लासी, काफी कोजी। ये केटल देखो कितनी खूबसूरत है। ओह माय गॉड व्यू तो कुछ खास नहीं है दर का? नहीं, व्यू बहुत शानदार है, लेकिन बर्फ नहीं है, क्या करें, यही क्रिसमस ट्री लग रहे होते हैं अभी सारे के सारे। इनका अच्छा काफी इंटीरियर वगैरह काफी खूबसूरत हुआ है रूम का, बढ़िया बढ़िया। मेरे को बाथरूम में हल्की सी नजर पड़ी थी, हाँ। बड़ा खूबसूरत बाथरूम है। ओ बाथरूम रूम से ज्यादा खूबसूरत है। तो ये रहा जी बाथरूम, जो बहुत सुंदर है। सबसे अच्छी चीज है जितने भी प्रोडक्ट्स है ना वो फॉरेस्ट एसेंशियल के हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है जितने भी बाथरूम में यूज किए हुए इन्होंने। ये कमोड की खूबसूरती देख के मन कर रहा है इस पर कभी कोई ना बैठे, इसको बैठना जरूरी है। यहीं से अंदर से मैं खोलती हूँ, मम्मी पापा का रूम कहाँ है, ये क्या खोलो, चिटकी नहीं खोलो ना, एक और दरवाजा है, ये कौन दरवाजा है, नॉक करो ना, खोलो। तो जी ये रहा मम्मी पापा का रूम, तो यहाँ से सेम भाई हाल हो गया है, केरला वाला ही, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा व्यू है, यहाँ से ज्यादा अच्छा व्यू है। मम्मी देख लो बाथरूम जरा, अंदर से बाहर सब दिखता है कि नहीं, अच्छा बाथरूम देखते हैं। जिम का बाथरूम वेरी नाइस, हमारे रूम के लिए सबसे अच्छा ये हुआ है कि इंटरकनेक्टेड है, तो दोनों इधर से उधर निकल सकते हैं, इधर से जाने की जरूरत नहीं है, सो दिस इज वेरी नाइस। धीरे धीरे करके मैं आपको इस होटल का सारा कुछ दिखाऊंगी। तो जी हम लोग तैयार हो गए हैं, चेंज वेंज कर लिया, रेस्ट वेस्ट थोड़ा बहुत करके अब हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा सा लंच के लिए, लंच करेंगे उसके बाद हाई टी आई थिंक इधर होटल में ही हमारी, तो अभी जरा देख के और फिर मैं जरा प्लान आउट कर लूंगी व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन। एंड मेरे पास देखो ये पिछले दो साल से पड़ा हुआ था लेकिन शायद आज काम आ गया, आई होप इसमें मुझे ठंड ना लगे, लेकिन This is what I'm wearing. मम्मी ने भी बदल लिया है। पहुंच गए हम लंच करने के लिए। चलो जी आ जाओ मम्मी। हम लोग एक जगह पे आए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, ऐसा सुना है कि यहाँ पे खाना अच्छा होता है, फिर अपने होटल में होटल वालों ने हमारे लिए हाई टी अरेंज की हुई है, वो हाई टी करेंगे एंड लेट्स सी उसका एक्सपीरियंस क्या होता है। लेकिन भाई मैं इस जगह पे दोबारा आना चाहती हूँ, मेरी तो बुकिंग अभी से ही कर दो, अभी से आज ही। अरे कितनी खूबसूरत जगह पे रेस्टोरेंट है, अरे यार यहाँ है फोटो खींचने का मजा, देखो यार वाओ। मक्खन कहाँ से आ गया इसमें, डालते हैं सावर, ये ब्रेड है ना, ब्रेड गरम है, अच्छा है। तुझे हुआ यूं कि बज गए हैं शाम के 3:30, आए तो हम लंच करने थे लेकिन 5 बजे हमारा हाई टी भी है होटल में, इसलिए हमने डिसाइड किया कि सिर्फ सूप पियेंगे ताकि ज्यादा हैवी ना हो, और फिर होटल में जाके हाई टी एंड देन डिनर। लेकिन फिर भी इसने कुछ तो गार्लिक ब्रेड मंगवा लिए, ये उन्होंने गार्लिक ब्रेड का मतलब गार्लिक ही समझा, गार्लिक। हमारा सूप वगैरह हो गया, ये कुछ ब्रेड मंगवाई है मैंने, मेरे को ना छोटे छोटे बच्चे दिख गए हैं डॉग्स के, तो मेरा मन नहीं मान रहा, मैं लेके जा रही हूँ ये ब्रेड, और ये ब्रेड मैं खिलाऊंगी, अब आपको उनके बच्चों से ही मिलवाती हूँ। वैसे तो माँ और बाप दोनों सामने बैठे हैं, माँ बाप ही ना मुझे खा जाए, फिर मैं ट्राई पूरा करूँगी। चलो मम्मी
हम लोग ना अभी होटल पहुंचे हैं और जैसे ही पहुंचे हैं ना तो मम्मी पापा को देखो जहाँ पे अब ना फोटो शूट कर रहे हैं, अकेले अकेले अपना फोटो शूट कर रहे हैं, गलत गलत फोटो खींच रहे हैं। अरे उनको बिठा के खींच लो ना, बर्फ का ये पीछे की बैठने पे बर्फ नहीं है पापा, पीछे तो पूरा जो बीच में पार्टीशन है तो पूरा गंदा है, बर्फ आ रही है। दिखाओ जरा, दिखाओ बर्फ, दिखाओ कहाँ ये देखो पीछे बहुत सुंदर है। सब लुटेरे हैं, अच्छे हैं इंसान, लेकिन पैसा बहुत मांग रहे हैं। उसको दम है, डांट में भरना पड़ता है। दिखा ही नहीं कहाँ, कुछ पसंद नहीं आया। यस क्या लेना, एक तो एक खरीदोगे ना तो सोने या अपना कुछ तो कश्मीर का मैं सोच रही हूँ ले जाऊँ, ले जाएंगे कहीं और से ले लेंगे, पश्मीना शॉल लेंगे। तो जी हम लोग तैयार हो गए हैं, हम लोग जा रहे हैं अपने हाई टी के लिए और यहाँ पे मम्मी को जरा टोपी देख लो मम्मी की। ये मेरी टोपी बच्ची बना के, बच्ची बना। मम्मी का जो जैकेट था वो मैंने कल के लिए रख लिया रेड कलर का, और मेरा वाला कोट मम्मी ने पहन लिया है जो आगे नहीं आ रहा है। आगे भी बंद हो रहा है, लेकिन आ गया, आ तो गया, फिर भी गर्म तो है। कितना स्वीट जेस्चर है इन्होंने ना, यूट्यूब का वो लगाया हमारा, मैंने नहीं देखा था, तुमने मेरे को बताया, मैंने कहा अच्छा यूट्यूब का कुछ रखा। एंजॉय योर टी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर देख लो पहाड़ पे पीछे एकदम चोटी पे सनलाइट आ रही है, सिर्फ वो एरिया जो है वो चमक रहा है, बाकी सारा शेडो में। और मैं आपको मिलवा देती हूँ, ही इज द मैनेजर वैभव, और इन्होंने बड़ी हेल्प करी है हमारी। खैबर का जो पूरा हमारा स्टे है, ही रियली लुक आफ्टर अस एंड बहुत अच्छा लगा इनके साथ, एंड इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। इट्स अ प्लेजर, इट्स अ प्लेजर। मुझे नहीं पता था कि वैभव की फैमिली में भी हमारे ब्लॉग्स देखते हैं सब लोग। बहुत मुश्किल से मिलती है, आई एम ट्राइंग की हमें नेक्स्ट वो वाला वहाँ पे रूम मिले, हिमालयन व्यू। हाँ क्या है, व्हाट इज दैट? बस हिमालयन व्यू रूम। तो मैं ना अभी कोशिश करूंगी, मैं रिक्वेस्ट करके वैभव को, अगर वो रूम के दर्शन में कर सकूं। और कौन सा रूम दिखाना चाह रहे थे? हम आपको प्रेसिडेंशियल कॉटेज दिखाएंगे, प्रेसिडेंशियल कॉटेज दिखाना चाह रहे हैं। तो मैं ना यहाँ का, इधर का स्विमिंग पूल बहुत फेमस है, वो व्हाट इज द स्पेशलिटी वैभव? इट्स अ फ्रेंच विंडो, अच्छा, इट्स अ हीटेड पूल इन द विंटर्स एज वेल, वेदर टेंपरेचर आउटसाइड इज -18 डिग्रीज, हम लोग अंदर का टेंपरेचर 30 डिग्रीज मेंटेन करते हैं। ओह अच्छा, तो गर्म रहता है अंदर सारा, हीटेड पूल इज गर्म रहता है यार। लेकिन ये होटल वाकई बहुत कमाल का है, मतलब इट्स वर्थ एवरी पेनी, है बड़ा एक्सपेंसिव है मतलब, लेकिन इधर स्टे करना बनता है। तो जी ये है इनका प्रेसिडेंशियल स्वीट, ये इनका लिविंग रूम है, ओहो हो डाइनिंग एरिया, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, ओ इट्स ब्यूटीफुल, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, इधर से तो व्यू ही कमाल का है ना, और जो गेस्ट आएंगे उनको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है ना, वही बार आप अच्छा यहीं पे, वेरी नाइस। इधर अंदर दोबारा जाते हैं, सो ये इनका दोबारा से लिविंग रूम, ये इनके किचन है, अरे यहाँ पे नेस्प्रेसो भी है, ये मुझे क्यों नहीं मिली। मैं तो नेस्प्रेसो वाली हूँ, लेकिन ये बहुत है भाई, ये गेस्ट बैठेगा। ओके तो ये इनका गेस्ट बेडरूम है, मतलब लाइक प्रेसिडेंशियल सूट का, वेरी नाइस। इनका वॉक इन है, वॉक-इन वार्डरोब, ब्यूटीफुल कोजी रूम है ना अविनाश, एंड नाउ वी आर हेडिंग टू द मास्टर बेडरूम। और भी बहुत ही खूबसूरत है, आई थिंक मुझे तो गेस्ट बेडरूम भी नीचे बहुत अच्छा लगा है, बड़ी मास्टर। अविनाश यहाँ से देखो तो आपको स्नोफॉल दिख रही है पूरी, ओह अरे वाह,
एक तरफ से पूरा फॉरेस्ट व्यू, एक तरफ से पूरा माउंटेन व्यू जो कि पूरा हाँ हाँ इधर यू विल नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग ना, यहाँ पे सब कुछ ही है। ओ माय गॉड, ये पूरी जब स्नो हो जाएगी तो क्या होगा। बट ये नेट है ना, ग्लास नहीं है ना। ओके ओके, बट ये कैसे यूज करते हैं? हॉट वाटर होगा। ओके वाओ, दिस इज अमेजिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये यहाँ पे इस साइड पे क्या चाहिए, यहाँ से निकल के जाते हैं। अच्छा, इसमें पूल अटैच है। Charges for this per night? 3.5 lakh rupees plus GST. कितना? 3.5 lakh. Per night. अरे सुनो, मैंने मम्मी को बता दिया उस रूम का पर नाइट कितना है जो हम देख के आ रहे हैं। उसके बाद से सन्नाटा है यहाँ पे। कह रही है क्या करना है, बल्टी लोटा से नहाना है। कह रही है उसमें ज्यादा होगा, टेबल होगा, कुर्सी होगा, बेड होगा, बेड होगा। तो जी हम लोग एक बार फिर से तैयार हो गए हैं पूरा गैंग बारबेक्यू के लिए। बारबेक्यू के लिए हम लोग जा रहे हैं ठंडी चाव में, वहाँ पे ठंड होगी। और मम्मी ने मेरा जैकेट पहना हुआ है, मैंने अभी भी देखा। कभी बहू पहन रही है, कभी सास पहन रही है। लेकिन ये तो आ गया आपको बराबर? नहीं, बंद नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आपको लूज है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं बारबेक्यू पार्टी के लिए दोस्तों, और वहीं से हम लोग फिर अंदर एंटर कर जाएंगे। यहाँ पे हमारा डिनर सेशन है, डिनर करेंगे दोस्तों, फिर वापस आएंगे। आओ मेरे साथ, आ जाओ। तुम पता है कैसी लग रही हो? हाँ। राजा तुम पागल हो, तुम जो करो। तू है पागल, तू है जो कर, तू है। देखो ना, राजा हिंदुस्तानी वाली। ओ रा...